राजनांदगांव के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बारिश थमने के बाद ज्यादातर लोगों को वायरल और उल्टी दस्त की शिकायतें हो रही हैं, जिसकी वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुए। साथ ही राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन से मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। मानसून आने के बाद से छत्तीसगढ़ में मानसून तो आ गया, लेकिन बारिश जो है उतनी ज्यादा है, जैसे राजनांदगांव हो गया और भी आसपास के जिले हैं वहाँ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। उमस बढ़ते जा रही है, उमस बढ़ने के कारण और पानी के कारण वो जो आर्द्रता जो मिल रही है उससे बैक्टीरिया और के मतलब ग्रोथ अच्छी होती है, जिसके कारण अभी ज़्यादा तो जो पेशेंट आ रहे हैं उनका गला खराब होता है, उसके बाद फीवर आने लगता है, फ्लू टाइप का पिक्चर ज़्यादा आ रहा है। और पानी जो है अभी नीचे से ज़्यादा बोर में जो जाके मिक्स हो रहा है और ज़्यादा पानी नहीं गिरने के कारण मिक्सड वाटर टाइप का आ रहा है, जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होने के कारण लोगों को कोलाइटिस, पेट में दर्द, डायरिया और